पल्लवी, ऑरेंज खाओगी? नहीं, तुम खाओ। पहला प्यार अपना हो ना हो, दिल पर राज ना हमेशा उसी का रहता है। और मैं राघव का पहला प्यार थी, उसकी अधूरी मोहब्बत जो इस बार मुकम्मल होके रहेगी। क्या हुआ? तुम टेंशन में लग रही हो। कीर्ति, तुम ईशा को बहुत पहले से जानती हो ना? मतलब राघव और ईशा फ्रेंड्स थे तब से? हाँ, पर क्यों? तुम ईशा के बारे में कितना जानती हो? जितना तुम जानती हो। ईशा और राघव कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और ईशा ने राघव को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। बस इतना ही जानती हो। क्यों, तुम्हें कुछ और पता चला क्या? नहीं, लेकिन इतना समझ गई, ये लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। ये सबके सामने कुछ और है और अंदर कुछ और। आई नो, मुझे वो लड़की तब भी पसंद नहीं थी और आज भी मुझे वो पसंद नहीं है। जो लड़का उसे मारता है, उसे किडनैप करता है, और जिस लड़के के लिए उसने राघव को छोड़ा है, उससे बचने के लिए वो राघव के ही घर में छुपी है। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि उस लड़की को तुमने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। आपने मेरे को मैसेज करके यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम्हें ना ये देना था। ये क्या है? दिवाली गिफ्ट, घर पे सबको दे दिया, ये स्पेशल तुम्हारे लिए। अब अयो, आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाया? दिवाली में तो घर के लोगों के लिए गिफ्ट देते हैं ना। मैं तुम्हारा कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है रजनी। इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज ले लो। धन्यवाद लू। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। अच्छा, इसी के लिए सीटियां बज रही है, गाना गुनगुनाया जा रहा है, हीरो बन के घर से निकला जा रहा है। अब इसे देखती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे, ये मिलन फिर कहाँ गायब हो गए? सुलोचना, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो तुम? क्यों रो रही हो? तो क्या करूंगा था, बताइए ना। सब कुछ खत्म हुआ। पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मॉम, क्या हुआ है? पापा ने ऐसे क्या कर दिया आपको? मेरी जिंदगी, मेरा संसार, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने मेरा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं दादा, आपका लाडला छोटा भाई है ना, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहे। क्या? अफेयर? नहीं, मिलिन ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भी यही लग रहा था कि बड़ा सीधा है मेरा पति और अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, पर मैं गलत थी दादा। अगर और कोई आके मुझे बताता ना तो मैं यकीन नहीं करती, पर मैंने अपनी इन दो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा है। वहाँ पर उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। बेशर्म कहीं का, दो जवान बेटियां घर पे है, उनकी शादी की उम्र हो गई है, उनके लिए पति ढूंढने जाना चाहिए तो नहीं, खुद के लिए पत्नी ढूंढ रहा है, उसकी जवानी आ रही है बाहर। सुलोचना, शांत हो जाओ, तुम्हें पक्का कोई गलत फहमी हुई है। हाँ। अरे मिलिन ऐसा इंसान है ही नहीं। नहीं दादा, वो वैसा ही है। सबूत के तौर पर मैं उसका फोटो खींचने गई, देखा तो गायब, अपनी मैनों को लेकर उड़ गया।
आयशा, ये आवाज क्या है? पता नहीं, मैं रूम की तरफ जा रही थी, ये कांच। ये क्या है? मुझे पता है तुम कहाँ हो ईशा, लेकिन ज्यादा टाइम तक तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। माय लविंग एक्स वाइफ। तुम्हें जल्दी ही यहां से लेकर जाऊंगा। भाई शांत हो जाइए। लो देखो, आ गए आपके महान भाई। जरा पूछिए इनसे कहां गए थे मुंह काला करने। मुंह काला? मिलेन, क्या बोल रही है सुलोचना? तेरा बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? आप भी इसकी बातों में आ गए क्या? आपको मैं ऐसा लगता हूँ दादा? और आप तो जानते हैं ना दादा, मैं खुद का मतलब निकलवाने के लिए ये औरत कुछ भी कर सकती है। दादा इस बार ये अपना मतलब निकाल रहे, सरासर झूठ बोल रहा है ये आदमी। जरीन से पूछिए, बेशर्मों की तरह हाथ पकड़ के खड़े थे उस औरत का। जरीन के कपड़े तो देखिए, हीरो की तरह पहने हुए। मीटिंग थी मेरी। तुमने मुझे कब देखा, कहाँ देखा? देखा दादा, कैसे ये औरत चोरी छुपे मेरा पीछा कर रही थी। ये सही है दादा। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुम्हें? है ना सबूत? ये मेरी दो बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये तो बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें, इस पर कौन विश्वास करेगा दादा, है कि नहीं? दादा आप तो जानते हैं ना, ये हम सबसे कितना नफरत करती है। बाबा आई ने आज तक जो भी किया है ना, वो हमारे बारे में अच्छा सोच कर ही किया है। आई के तरीके भले गलत थे, लेकिन इरादे हर वक्त सही थे, इसलिए मुझे मेरी आई पर पूरा भरोसा है। बेटा मानसी, अरे परिवार के नजरों में मुझे गिराने के लिए ये सब कर रही है, इसके ना तो इरादे सही है ना तो हरकत है। दादा मेरा यकीन मानिए, ये आदमी इस बार गलत है। मैं किसी को कुछ भी साबित करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बार मैं सही हूँ। डैड, बाबा, मिलिन, देवा, ये सुमित यहाँ तक आ गया। मैं सिक्योरिटी से बात करके आता है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने अभी किसी को बाहर भागते हुए देखा, सिक्योरिटी ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो भाग निकला। वो जाते जाते कहकर गया कि वो सबको मार देगा और ईशा को यहाँ से ले जाएगा। वो पक्का सुमित ही था। उस भगौड़ी के आदमी का इतना हिम्मत मेरे रहते हुए मेरे घर में आने का, आज मैं उसको जेल भेज कर देगा। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, वो दो दिन में छूट जाएगा और इससे भी खतरनाक हरकत करेगा। इस वक्त हमें सुमित पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें ईशा को और भी सेफ करना चाहिए। और भी सेफ मतलब? हमने ईशा को यहाँ क्यों रखा था? क्योंकि हमें लगा था ईशा यहाँ सेफ है, लेकिन सुमित तो यहाँ भी आ गया। आज उसने पत्थर फेंक कर मारा है, कल पता नहीं क्या करेगा। पर पल्लवी, ईशा इससे ज्यादा सेफ कहाँ रह सकता है? तुम्हारे सेफ हाउस में। तुम्हें याद है ना, वेद ने जब धमकी दी थी तब अम्मा और कीर्ति को तुमने वहीं रखा था। नहीं नहीं राघव, प्लीज मुझे यहीं रहने दो, मैं इससे ज्यादा सेफ और कहीं नहीं हूँ। इतने लोगों के बीच में ना देखो, सुमित कुछ नहीं कर पाएगा। ईशा, मैं जानती हूँ तुम घबरा रही हो, लेकिन बिलीव मी, उससे ज्यादा सेफ जगह तुम्हारे लिए और कोई नहीं। राघव, मैं ना ईशा को अपनी साड़ी पहना दूंगी, वो घूंघट कर लेगी तो ऐसा लगेगा मैं ही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम उसे जाकर सेफ हाउस छोड़ाना। परफेक्ट, ये प्लान परफेक्ट। लेकिन राघव, लेकिन कुछ नहीं ईशा, तुम्हारा सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अभी के अभी जा रहे हैं, तुम अपना बैग्स पैक करो। लेकिन राघव, ईशा जाकर ही है, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास रहेगा। ईशा, तुम अपना बैग्स पैक करो, मैं बाकी का सामान लेकर आता है। मैंने कहा था ना, ये घर भी मेरा है और पति भी, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब तुम देखना, राघव खुद तुम्हें इस घर से निकालेगा। गुड बाय ईशा।
ईशा तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हम रास्ता निकालेंगे ना, तुम टेंशन मत लो। हमें राघव से बस थोड़ा टाइम लेना और कुछ भी नहीं। कैसे सनी, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास और ना ही कोई रास्ता बचा है। देखो अब ना कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहां से जाना ही पड़ेगा। मिल गया आइडिया। कैसा आइडिया? इस घर में कोई और भी है जो राघव से ऊपर है, वो है अम्मा। वो है हमारे हुकुम का इक्का, वो रुकाएंगी तुझे इस घर में। कैसे सनी? आओ मेरे साथ चलो। आंटी शायद तुम इस वक्त क्या? आई एम सॉरी आंटी, मैं इस टाइम पर आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो मुझे इन मिठाई के पैकेट्स पे आपके हाथ लगवाने थे। काकू आंटी, वो मैं ये मिठाई कल मंदिर में बांटने जा रही हूँ। पर तुम पैकेट बनाया ना, तो मेरा हाथ काकू लगवाना है। क्योंकि आंटी ये आप लोगों के नाम की है। मतलब राघव अपनी फैमिली से कितना प्यार करता था ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमारा ब्रेकअप हो गया था लेकिन एक ही इंडस्ट्री में होने की वजह से मुझे राघव की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। और जिस दिन मुझे अंकल और आपके छोटे बेटे के बारे में पता चला, मेरा दिल दहल गया था। राघव पर क्या बीती होगी ये सोच कर ही कांप गई थी मैं। इस बात का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ आंटी कि तब से लेकर आज तक हर दिवाली पर मैं आपकी, कीर्ति की और राघव की हैप्पी और हेल्दी लाइफ और अंकल और आपके छोटे बेटे की आत्मा की शांति के लिए ये मिठाई मंदिर में बांटती हूँ। हर साल आप लोगों को याद करके करती थी लेकिन इस साल आप हैं तो सोचा आपसे हाथ लगवा लूँ। तुम सचमुच हर साल ये करता रहा? अब आज मुझे इस घर से जाना है तो जाते जाते मैं ये मंदिर में देती जाऊंगी। कहाँ जा रहा है तू? आंटी वो सेफ हाउस। लेकिन सेफ हाउस का एको राघव ने बोला मुझे। तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम राघव को और हमारा फैमिली को इतना प्यार करता था तो तुम राघव को छोड़ के क्यों गया? काहे को उसका लाइफ बर्बाद किया तुम? राघव की जिंदगी बचाने के लिए आंटी, अगर मैं राघव से दूर नहीं होती तो मेरे अप्पा उसे जान से मार देते। मैंने हमेशा से आपकी फैमिली को अपना माना है। शुरू से ही मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी लेकिन राघव की जिंदगी की कीमत पर नहीं आंटी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उससे दूर जाना पड़ा। खुद को उसके सामने बुरा साबित करना पड़ा, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ बोलना पड़ा कि मैं राघव से प्यार नहीं करती, पैसे चाहिए मुझे। सॉरी आंटी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी लेकिन अगर उस दिन मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी होती ना तो शायद आज राघव हमारे साथ नहीं होता। एनीवेज आंटी, हैप्पी दिवाली। आई विश कि आप ऐसे हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। ईशा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ सनी? नहीं वो मैं सोच रहा था कि मैं राघव को बोलता हूँ तुम्हें दिवाली के बाद छोड़ देगा। त्योहार पे तुम जा रही हो, दिवाली अकेले मनाओगी क्या? अम्मा अब आप ही बताओ ना, ईशा कितने दिनों से हमारे साथ रह रही है, एक फैमिली मेंबर की तरह है ये, और अब त्योहार की बारी आ रही है तो हम इसे छोड़ रहे हैं। अम्मा शायद आपको मालूम नहीं है कि मेरी कोई बहन नहीं है, मैंने आज तक भाई दूज नहीं मनाया। और सच कहूँ तो ईशा में मुझे मेरी बहन नजर आती है। मैंने सोचा था इस बार भाई दूज मनाऊंगा लेकिन अम्मा वो भी नहीं हो पाएगा।
ईशा तुम तैयार है? मैं अभी सामान लेकर आई। रुको। ईशा कहीं नहीं जाएगा। दिवाली के टाइम पे इस बेचारी को अकेले भेजना सही नहीं है राघव। ये हमारा गेस्ट रहा है और त्योहार के वक्त पर ये अकेला रहेगा ऐसा मैं नहीं होने देगा। ईशा दिवाली यही मनाएगा हमारे साथ हमारे घर पे। लेकिन अम्मा ईशा का यहाँ रहना डेंजरस है। हम सब हैं ना इसके साथ, कुछ नहीं होएगा। सीढ़ियां है, वहाँ पर ना कमरा है, वहाँ पर आज के बाद तुम रहोगी। पर मैं वहाँ पर काई को रहेगा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है मेरी बीवी ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया है और वो बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? आई 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 मॉम मॉम ही है ये तुम्हारी, और कौन हो सकता है? है कि नहीं? वो क्या है ना बेटा, हम दोनों ना जरा वहाँ ऊपर जा रहे थे। ऊपर? लेकिन अभी तो आप दोनों का झगड़ा हुआ था ना? लेकिन मिट गया, झगड़ा मिट गया, हो गया, पैचअप हो गया। अरे हाँ, तुमने वो ऊपर छत पे वो अचार सूखा रखा है ना, तो अगर उसे ज्यादा धूप लग गई तो ज्यादा सूख जाएगा, है ना? चले चलो 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 आगे चलो 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 चलो। लेकिन मॉम डैड, कहने को तो मेरे मॉम डैड है लेकिन 2 साल के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। अभी झगड़ा तो 2 मिनट में पैचअप। और ये मॉम भी ना, ये कैसे कपड़े पहन के घूम रही है? गुड मॉर्निंग पल्लवी, अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, लोगे तुम? तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो ईशा? अम्मा को झूठ बोलते हुए, उन्हें मैनिपुलेट करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? कहां से लाती हो इतनी हिम्मत? अम्मा को फंसाकर उन्हीं के घर में रहकर उन्हीं के बेटे का घर तोड़ रही हो? मैं राघव का घर नहीं तोड़ रही हूँ पल्लवी, बल्कि उसकी लाइफ का अधूरापन पूरा कर रही हूँ। उसे वो खुशियां दे रही हूं जो तुम उसे कभी नहीं दे पाई। राघव के प्यार पे सबसे पहला हक मेरा है, तुम उसकी लाइफ में जबरदस्ती लाई गई हो। मैं राघव का प्यार हूं और तुम सिर्फ उसकी मजबूरी। देखो खुद को, तुम ना उसके टाइप की हो ना उसके स्टैंडर्ड की। तुम ना पल्लवी सिर्फ लकी हो गई हो क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन बस अब और नहीं, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी क्योंकि अब मुझे मेरा हक, मेरा प्यार वापस चाहिए। और तुम देखना वो मैं वापस लेकर रहूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।